प्रमाण पत्र या दिव्यांग प्रमाण पत्र बना है या नहीं आप कैसे चेक कर सकते हो। आपका भी यूडी आईडी कार्ड बना या नहीं आप कैसे चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन स्टेटस आप अपने मोबाइल से घर बैठे चेक कर सकते हो। पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। अगर आपने भी यूडी आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाया तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका यूडी आईडी कार्ड बना है या नहीं। चेक करने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में इस तरीके से ओपन कर लेना। ब्राउज़र में यहाँ पर इस तरीके से आपको सर्च बार में यूडी आईडी इस तरीके से आपको डालकर सर्च कर लेना। जैसे आप सर्च करोगे इसकी ऑफिशियल साइट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से, तो आपको यूडी आईडी कार्ड इस पर आपको क्लिक कर देना। यूडी आईडी पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हो एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए ट्रैक योर एप्लीकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैक योर एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने का। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पर थ्री डॉट इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद में यहाँ से आपको इसको डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लेना। यहाँ पर इस पर टिक मार्क आपको लगा देना इस तरीके से, तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास यू डी आई डी कार्ड नंबर नहीं है, एनरोलमेंट नंबर भी नहीं है, तो आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस इस तरीके से मोबाइल नंबर से व अपने आधार नंबर से चेक कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर से, आधार नंबर है तो आधार नंबर से आप चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए मोबाइल नंबर से चेक करना तो मोबाइल नंबर इस पर टिक मार्क लगाना। जैसे आप टिक मार्क लगाओगे यहाँ पर आपको आपके मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद में सबमिट पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर नीचे आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखने को मिल जाएगा कि आपका यू डी आई डी कार्ड बना है या नहीं। दूसरा, आपको आधार नंबर से चेक करना, आधार नंबर इस पर टिक मार्क लगा देना। यहाँ पर आधार नंबर आपको डाल देना, सबमिट पर क्लिक कर देना। नीचे यहाँ पर आपको आपका स्टेटस देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने यू डी आई डी कार्ड का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हो अपने मोबाइल से। तो आज ही अपना एप्लीकेशन स्टेटस इस तरीके से आप देखें। तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।